देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एक लास्ट रिजॉर्ट तो होता है. हमने देखा ये कोई पहली बार पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो. अब देखना ये है कि कैसे बनाया जाएगा, कैसे तश्कील पाएगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से पूछें तो वो ये आपको कहेंगे जी ऐसी तो कोई बात नहीं. आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी उमर अयूब साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा. लेकिन ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है फारूक, जिसमें आपने 41 जो मेम्बर्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने किस जमात की तरफ जाना है, ये वो खुला मैदान है कि जिसमें हर बंदा बोली लगाएगा, हर बंदा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. और जिसने 5-7 करोड़ रुपया लगाया है इलेक्शन पे, जाहिर है वो अपने नफ़े और नुकसान को मद्देनज़र रखेगा. अगर तो वो डाई हार्ट फैन नहीं है या बहुत ही जिसे कहते हैं ना कोर फॉलोअर नहीं है इमरान खान साहब का, तो इस फेज़ के अंदर कुड बी पॉसिबल कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से पहले ही वो शायद इस तरफ ही निशानदेही कर रहे हैं कि बहुत सारे जो अराकीन हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जिन्होंने टिकट रजिस्टर करा के, यानी जो अपना इलेक्शन लड़े थे इलेक्शन कमीशन से, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अराकीन कहलाए थे, उनमें से अक्सर लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी. तो कुड बी पॉसिबल कि वो लोग अपनी जब एफिडेविट लेकर जाएँ तो हो सकता है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जाना पसंद ना करें या शमूलियत अख्तियार यानी इसके इम्कानात मौजूद हैं. दिस कैन हैपन. एंड अनदर थिंग जो हमारे नुमाइंदे भी डिस्कस कर रहे थे और जो अहमद साहब हैं उन्होंने भी आपको बताया, देखिए इलेक्शन कमीशन एक्ट या रूल जो है वो बहुत नीचे रह जाता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उसकी रोशनी में जब अगर आप देखें तो वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए. मगर यहाँ पर एक बारीक नुकता ये है कि जब इनके बकौल इनके लोग हैं, और जब वो जाकर 41 जो अराकीन हैं वो अपना एफिडेविट दोबारा से जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन में, तो क्या वो ये डिक्लेयर करेंगे कि वो पिछले वाला एफिडेविट झूठा था? और अगर वो ये डिक्लेयर करेंगे कि वो झूठा है तो इस पे तो आर्टिकल 63A वाला मामला आ जाएगा. तो ये बहुत बारीक चीज़ें हैं कि जिनको जाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 8-7 दिनों में क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है. इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ हैं. इमरान वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. अभी शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे. साथ साथ मैं पंसोता साहब आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि इस वक्त जो ये जो फैसला आया है इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो क्या इसके, एक तो ये सभी असम्बलियों पर इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जैसा फरवा भी पॉइंट कर रही थी ये वाला बता रही थी कि जब ये दोबारा से पूछा जाएगा 15 दिन में कि आप कहाँ पर खड़े हैं, तो ऐसी भी कोई नौबत आ सकती है कि लोग इधर उधर कह रहे हैं कि जनाब हम. सर बिल्कुल ऐसी पोजीशन बन सकती है, लेकिन आज की जजमेंट से उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, और वो प्रोटेक्शन ये है कि ये तसव्वुर किया जाएगा कि उस डेट पर वो इंडिपेंडेंट है. उनका जो साबका एफिडेविट है, चूंकि वो अनक्लियर है एज टू कि वो तरीके इंसाफ के हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, ये कहाँ के हैं, उसको उस तरह तसव्वुर नहीं किया जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट. और वो जाकर प्रॉबेबली बताएंगे, बिकॉज अब उनके पास बुके में चॉइस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पहले नहीं थी, जो कि कहा गया इवन कोर्ट में भी कहा गया, वैसे भी कहा गया कि चूंकि वो नहीं थी तो फिर हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं थी, पर हम साथ साथ ये मेंटेन करना चाहते थे. इन तमाम लोगों को बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स इससे ये एक्सपेक्टेड होगा कि वहां जाए, अनलेस कि कोई प्रेशर एक्सर्टिंग टैक्टिक्स हो या कुछ हो. और इनका जो प्रीवियसली सबमिटेड एफिडेविट है उसको मेरे जाती नजर में आफ्टर रीडिंग दिस जजमेंट शॉर्ट ऑर्डर जो कि तफसील में आएगा, वो प्रोटेक्शन जो है वो हासिल होगी, बिकॉज उस एफिडेविट को किसी हद तक अनक्लियर कहा गया. लेकिन उस एफिडेविट में भी जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया हुआ है या टिकट से रिलेटेड मामला किए हुए, उनको उन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन दे दिया, बट स्टिल उनको एक मौका दिया है कि क्या वो वाकई ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना चाहते थे, जो कि अब ऑप्शन नहीं रही, जो मेरी समझ के मुताबिक बात आ रही है. और इस चीज पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो एक पोलिटिकल जमात है पर से इन लाइट ऑफ आर्टिकल 56(1)(D)(E)(E), सो वो चीज देखने वाली है. लेकिन वो बिल्कुल अब चूंकि उनको प्रोटेक्शन जजमेंट दे रही है तो मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन उन पर प्रेशर जरूर एग्जर्ट किया जाएगा कि वो जाके किसी और को ज्वाइन करें क्योंकि वो इंडिपेंडेंट्स हैं. ये जो एक बात हो रही है जी आइन को रीराइट किया जा रहा है, दूसरी बात ये आई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसमें फरीक थी, इंसाफ ले गई तहरीक इंसाफ, तो ये क्या हुआ? क्या अदालत किसी हद से भी आगे बढ़ के अदालत ने इंसाफ दिया, ऐसा हुआ कुछ?
सर आपको सबसे पहले जब आइन की री राइटिंग की बात होती है तो उससे पहले जरूरी है कि आपको ये पता लगे कि ओरिजिनल टेक्स्ट आइन का क्या है। हमारे आइन का जो दिबाचा है वो इस प्रेफेस पे खड़ा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अवाम ताकत का सरचश्मा है और अपने नुमाइंदगान के थ्रू वो पावर एक्सरसाइज करते हैं। ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को आगे बोरो करके आर्टिकल 51(6) में ये कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, यानी कि जितनी आपकी प्रेजेंस है उसके इक्विवेलेंट आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये आइन का एक बुनियादी मकसद है। फिर हम आते हैं 218(3) पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ड्यूटी है कि उन्होंने ऑनेस्टली, फेयरली एंड जस्टली इलेक्शन मुल्क में करवाना है। इसकी तशरीह जब इमरान खान साहब ने पहले एक दफा थ्रू वो एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करवाया था इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि इररेगुलरिटीज है इलेक्शन में, लेकिन बुनियादी काम है कि अवाम की उमंगों की तर्जुमानी हो, इलेक्शन क्या वो डेमोंस्ट्रेट करता है। अब यहां से आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम का तमाम तनाजा जो है उसकी बुनियाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बनाकर उसकी गलत तशरीह की। उसकी तशरीह उन्होंने ये की कि चूंकि सिंबल मौजूद नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, लिहाजा वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, उस पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना पड़ा और डिफरेंट मोड्स अडॉप्ट करने पड़े। ये उसकी बुनियादी जुज है। इस बुनियादी पॉइंट पर आज 11 जजेस ने यह कहा कि जनाब आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंबल वाली जजमेंट को गलत इंटरप्रेट किया है वो बिल्कुल गलत बात है। और इन तमाम जजेस ने ये कहा कि वो लोगों की प्रेजेंस इन द नेशनल असेंबली आज भी है, उस टाइम पर भी थी और वो कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिंबल इज मेयरली अ फॉर्म ऑफ डिनोटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बट ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए। अब ये मैंने आपको उसकी बुनियाद बता दी सारे तनाजे की, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया। उसके रिजल्ट में ऑफकोर्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इशू आया, इंडिपेंडेंस का ज्वाइन करने का इशू है। आप उसके अंदर बुनियादी इशू क्या था जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करना था 51(6)(DE) में, वो ये था कि जब एक इंडिपेंडेंस ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है तो क्या उस पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है कि वो पार्टी जिसकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस हो या एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो जस्ट द वर्ड इंक्लूड को उन्होंने इंटरप्रेट करना था। उसकी इंटरप्रिटेशन मेजॉरिटी जजेस ने आज ये की कि चूंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, चूंकि इसकी बेसिस ये है कि अवाम ने किसको सिलेक्ट किया और उस सिलेक्शन के इक्विवेलेंट उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, लिहाजा हम उस इंक्लूड को वो भी रीड कर सकते हैं। उस चीज के अंदर जाते बगैर या जाए बगैर कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है, वो उससे एक स्टेप पीछे चले गए। अब यहां पर जो अभी बहस की मैं सुन रहा था बात, वो इसको केस को एक सिविल नेचर का केस जिसमें कोई दो लोगों की जमीन की लड़ाई, उससे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्या वो पार्टी थे नहीं थे। ये वो बुनियादी जुज है जो कि एक आम सिविल सूट में तो देखे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट नो डाउट आर्टिकल 185 में एक पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइड कर रही है, लेकिन उसके पास 1872 भी मौजूद है और साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसमें पार्टी बनने के लिए दोबारा दरखास्त भी दी, एक फॉर्मल एप्लीकेशन भी आ गई, उसके साथ साथ उन्होंने हाई कोर्ट भी फैसला चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चेंबर अपील की, लेकिन उससे आगे नहीं गए। लेकिन क्या ये टेक्निकल बात को इस चीज की बुनियाद बनाया जा सकता है कि इसकी बेसिस पर पाकिस्तान की अवाम ने जिन लोगों को इलेक्ट किया उनकी प्रोपोर्शन में जो उनको लोग मिलने हैं उनको लेकर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दे दें, ये टेक्निकल जस्टिस हम पाकिस्तान में 1947 से आज तक कितनी दफा करेंगे? अच्छा, ने कितनी दफा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस रिपीट करना है? ये मेरे नजदीक इसकी आज एक समरी है। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे दोबारा इस मामले में कुछ बातें हैं, कुछ मायरे कानून कह रहे हैं, अब हम ज्यादा बढ़ेगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये बताइए कि क्या है ये सेनेटर फैसल वाड़ा कहते हैं आज के फैसले के 15 दिन बाद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और हुकूमत कह रही है कुछ नहीं हुआ, क्या वाकई कुछ हुआ या हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता इन फैसलों से?